हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस बोरियो पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास टेंथ का ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम क्या कि भारत संसाधन एवं उपयोग। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे वन बाय वन करके कराएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हुए भी चलेंगे। तो बस आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें, आप लोग को सारा कुछ जो है ना समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर का नाम यहाँ पर क्या दिया गया आप लोग देख सकते हैं, चैप्टर का नाम है कि भारत संसाधन एवं उपयोग। तो आप लोग के लिए छोटा सा दो लाइन है, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। मंजिल क्या है, मतलब कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है, मतलब मंजिल क्या है तो पता है, रास्ता क्या है ये भी पता है, अगर हौसला हो तो कुछ भी मतलब दूर नहीं है, ठीक है। और इस चैप्टर का हम लोग करने वाले हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहला प्रश्न जो आपके बुक में दिया गया है। तो सबसे पहला प्रश्न जो आपके बुक में दिया गया उसका नाम क्या है कि संसाधन को परिभाषित करें, यानी कि संसाधन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें सीखेंगे, तो परिभाषा को करने से पहले आपको हम बता दें कि एक मनुष्य जो अपने जीवन में, मत मान के चलो जैसे हम लोग एक मनुष्य है, ठीक है, इंसान है, अपने जीवन में जितने भी वस्तुओं का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है, बहुत सारी वस्तु ऐसा होता है जो हम लोग की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, वो सब के सब चीज क्या हो जाएगा, ये सब के सब हम लोग के लिए क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हम लोग का संसाधन, क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे परिभाषा देखिए इसका किस तरीके से लिखना है, बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है, हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाली, हमारे मतलब पर्यावरण क्या होता है, जो हम लोग के आसपास का जो वातावरण है उसको पर्यावरण कहते हैं, ठीक है, यानी कि पेड़ पौधे गैस का मॉलिक्यूल सब, ठीक है। हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाली प्रत्येक वस्तु जो हमारी जरूरतों को क्या करती है, पूरा करती है, क्या करती है, हमारी जरूरतों को पूरा करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं, ठीक है। जैसे पानी हो गया, हवा हो गया, भोजन हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, जितने भी चीज है इस दुनिया में, मतलब धरती पर रखा हुआ जो कि इंसान के जरूरत को पूरा करता है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि धरती पर जितना भी चीज है वो सबके सब संसाधन है, तो कुछ ऐसे भी चीज है जो कि उसकी जरूरतों को पूरा नहीं करता है, ठीक है। तो उम्मीद आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि हम लोग समझाना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को हम समझा चुके हैं यहाँ तक, क्या समझाएं कि पर्यावरण के हमारे पर्यावरण में जो पाए जाने वाली प्रत्येक वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं के, यानी जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं, ठीक है। और ये उसका जैसे है कि पानी है, हवा है, भोजन है, और क्या यहाँ पे इत्यादि, मतलब और भी बहुत सारे हैं। अगर संसाधन की बात किया जाए, संसाधन कितने ऑप्शन दिया गया यहाँ पर, देखिए नीचे बुलेट है, संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, देखिए ये आपको बुक में नहीं दिया लेकिन उसको समझाने के लिए एक क्वेश्चन का अधूरा नहीं छोड़े हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखा जाते जैसे कि यहाँ पर है कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं, तो इनमें से कौन कौन दो प्रकार होंगे, तो पहला आप लोग का हो जाता है प्राकृति। प्रकृति का मतलब कुछ चीज ऐसा है जो कि हम लोग को प्रकृति से प्राप्त होता है, ठीक है, और कुछ ऐसा होता है जो कि हम लोग उसे स्वयं बनाते हैं, तब वो चीज जाकर के क्या होता है, हम लोग को प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे कुर्सी टेबल अपने आप गाछ वृक्ष में नहीं फलता है, ठीक है, उसको हम लोग बनाते हैं तब वो होता है। तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं, इसका एक का नाम क्या है प्राकृतिक, दूसरा का क्या है मानव निर्मित, ठीक है, ये मानवीय कह सकते हैं। तो फटाफट से हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है कि प्राकृतिक संसाधन है क्या, ठीक है। तो हम लोग इसमें सिंपल डिफिनेशन लिखेंगे कि प्रकृति द्वारा प्राप्त, क्या लिखेंगे, प्रकृति द्वारा प्राप्त संसाधन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे हम लोग का पानी, वो हम लोग नहीं बनाते हैं, वो हम लोग को प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है। पेड़ पौधा को हम लोग नहीं बनाते हैं, वो प्रकृति के द्वारा ही क्या होता है, उपज होता है। हम लोग कुछ पौधे को सिर्फ लगाते हैं, ठीक है, उगाना हम लोग के बस की नहीं है। उसके बाद जैसे जमीन है, हम लोग का क्या प्राकृतिक संसाधन दिया हुआ है, ठीक है। और जैसे हम लोग बात करें हवा, तो हवा हम लोग नहीं बनाते हैं, ये हम लोग को प्रकृति द्वारा मिलता है, ठीक है। तो उम्मीद आप लोग समझ चुके होंगे प्राकृतिक संसाधन क्या है। सीधा आप लोग को याद रखना है कि प्रकृति द्वारा जो भी संसाधन हम लोग को प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, ठीक है। और आगे आप लोग का दिया गया है यहाँ पर कि मानवीय संसाधन, ठीक है। तो दूसरा क्या है मानवीय संसाधन, तो हम लोग लिखेंगे कि मानव द्वारा प्राप्त संसाधन को, मानव द्वारा प्राप्त संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं, मानवीय संसाधन कहते हैं। जैसे मोबाइल अपने आप नहीं बना, इसको इंसान बनाया है। इंटरनेट, इसको भी इंसान ने बनाया है। कुर्सी, इसको इंसान ने बनाया है। अभी जो फिलहाल आप पढ़ रहे हो मोबाइल से, उसको भी देख सकते हो, ठीक है। अपने आसपास की चीज़ों को देखिए और उसको अनुमान लगाइए देख करके कि अब क्या वो प्राकृतिक है या मानव निर्मित, ठीक है। तो पढ़ाई के साथ साथ में प्रैक्टिकल करना भी बहुत जरूरी है। तो उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे आप लोग को क्या समझाना चाह रहे थे। पहला आपको हम बताएं कि संसाधन क्या है, तो हमारी इनकी पर्यावरण में मौजूद, ठीक है, वो सभी वस्तुएं जो हमारी जरूरतों को पूरी करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। यहाँ तक हो गया।
संसाधन फिर बताएं आप लोग को कि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? प्रकृति द्वारा प्राप्त संसाधन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे हम लोग का आ गया पेड़ हो गया, पानी हो गया, पेड़ पौधा हो गया, पानी हो गया, जमीन हो गया, बहुत सारी चीजें। उसके बाद उसी तरह से मानवीय संसाधन, तो हम लोग को उसमें लिखना है कि मानव द्वारा प्राप्त संसाधन को मानवीय संसाधन कहते हैं। जैसे में आपका हो जाता है मोबाइल, इंटरनेट, कुर्सी, ये सब चीज हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग देखते हैं अब हम लोग क्या करेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन को। तो सेकेंड नंबर जो आपके बुक में क्वेश्चन दिया गया है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपके बुक में क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा। संभावी एवं संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट करें, मतलब आप लोग को बताना है कि संभावी संसाधन क्या है और संचित को संसाधन क्या है, इन दोनों को आप लोग को अच्छे से बताने का काम करना है। ठीक है, तो अंतर का मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इधर लिख देंगे संभावित संसाधन, इधर लिख देंगे संचित को संसाधन, बीच में ऐसे लकीर कर देना, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, ये वाला काम नहीं करना है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे करें। सबसे पहले आंसर था कि क्या लिखना है कि संभावित संसाधन लिख करके डैश देना है, उसके बाद लिखना है। तो पहले संभावित संसाधन को हम लोग समझते हैं क्या। संभावी का मतलब होता है, संभावी का पहले क्या करना पड़ेगा, मतलब जानना पड़ेगा। इसका मतलब होता है कि भविष्य में हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, मतलब भविष्य में उपयोग करने की संभावना बनी है उसको हम लोग कहते हैं संभावी। ठीक है, समझ गए आप लोग, भावी मतलब भविष्य होता है। ठीक है, संभावित संसाधन तो लिखना है कि वैसा क्या लिखना है, वैसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में, इसको क्षेत्र पढ़ना है। ठीक है, लैपटॉप में ऐसे ही आता है ये चीज, मतलब क्षेत्र वैसे भी आता है, इस तरीके से भी होता है। तो क्या लिखना है कि वैसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद हो तथा जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, जैसे क्या करते हैं उपयोग में लाने की संभावना हो तथा जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं संभावित संसाधन कहते हैं। मतलब संसाधन मौजूद हो किसी भी क्षेत्र में हो तथा जिसको उपयोग में लाए जाने की संभावना हो। एक तो क्या हो गया कि कहीं पर संभव पहले संसाधन मौजूद होना चाहिए, उसको उपयोग में लाए जाने की संभावना हो तथा उसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया। अगर उसका उपयोग कर लेंगे तो फिर उसको संभावी कैसे बोलेंगे। ठीक है, मतलब उसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया हो तो उसे हम क्या कहेंगे, संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे में आप लोग का हो जाएगा हिमालय क्षेत्र का खनिज, तो हिमालय क्षेत्र का जो खनिज है ना, क्या है हिमालय क्षेत्र का खनिज, उसको अभी तक उपयोग में नहीं लाया गया है और भविष्य में इसका उपयोग जो है ना, अगर वैसा कोई तकनीक हुआ तो हम लोग इसका उपयोग अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, और दूसरा आप लोग का हो जाता है संचित कोष संसाधन, तो लिखना है कि संचित कोष संसाधन वास्तव में भंडार संसाधन का ही अंश है जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। मतलब इसको अभी उपयोग में नहीं लाया गया है, उसको जितना भी सारा तकनीक आएगा उसी के माध्यम से हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया संचित कोष संसाधन, उम्मीद है आप लोग यहाँ तक भी समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कितने नंबर क्वेश्चन को, तीसरा नंबर क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, था इंपॉर्टेंट है और पहला नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट था जो था आप लोग का संसाधन। ठीक है, आप लोग अच्छे से याद रखेगा। तो क्वेश्चन है कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए, मतलब ये चीज हो गया कि संसाधन को हम लोग सुरक्षित रख के मतलब कैसे रख सकते हैं और रखने का मतलब उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना है कि आंसर लिखना है इसका, क्वेश्चन पहले दिखिए। क्वेश्चन अगर आप लोग समझ जाते हैं ना, क्वेश्चन मेन काम क्या करना है, पहले क्वेश्चन को समझने का काम करना है। क्वेश्चन अगर आप लोग समझ जाते हैं तो इसका आंसर जो रटे हैं उसके अलावे भी आप अपने मन से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखना है कि सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में, ठीक है, सभ्यता मतलब जो भी हम लोग का चल रहा है समय, उसको हम लोग अगर चाहते हैं आगे बढ़ा करके लेके चलना है। ठीक है, सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधन की अहम भूमिका होती है। मतलब जैसे कि मान के चलो हमारे दादा परदादा ने, मतलब जो भी देश के जो बुजुर्ग व्यक्ति जो इस दुनिया से मतलब चले गए हैं, ठीक है, उन लोगों ने बहुत सारा काम करके ऐसा किया जिसको भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग भी जो काम को आगे बढ़ा रहे हैं आने वाले समय में, उसको भी हम लोग का जनरेशन लेकर के आगे बढ़ने का काम करेगा। ठीक है, वही बोला गया है कि सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधन की अहम भूमिका होती है, लेकिन संसाधन का अविवेकपूर्ण उपयोग से सामाजिक, मतलब यहाँ समझना कि लेकिन संसाधन का अविवेकपूर्ण, मतलब जैसा उसका उपयोग करना चाहिए हम लोग उस तरीके से उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उपयोग से क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, सामाजिक, आर्थिक, संस्कृति एवं पर्यावरण समस्या को जन्म देता है। मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग उसका जो है ना जरूरत से ज्यादा मतलब सही तरीके से उसका उपयोग नहीं करते हैं तो क्या क्या होता है, समाज में समस्या होगा, आर्थिक समस्या हो जाएगा, ठीक है, संस्कृति एवं पर्यावरण समस्या को जन्म देता है, मतलब प्रदूषण वगैरह सब चीज का फैलने लगता है। इस समस्या के समाधान के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधन संरक्षण की आवश्यकता होती है। मतलब ये सब चीजों को देख करके सबको सुरक्षित रखने के लिए संसाधन को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। ठीक है,
उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर इसी तरह मतलब अगर चाहते हैं किसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो आप लोग को मिलता रहे तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है आप लोग के लिए इस तरह का बेहतरीन तरीके से कॉन्टेंट बनाने में, तो बस ज़्यादा आप लोग से कुछ नहीं, आप लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का। फोर नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है स्पष्ट कीजिए। मतलब ये हो गया कि संसाधन को बनाने में तकनीक, तकनीक का मतलब होता है हथियार वगैरह, जो भी चीज़ का हम लोग उसे काम करते हैं। मान के चलो जैसे अभी पढ़ना है तो उसके लिए हम लोग को कॉपी कलम चाहिए, ठीक है, ये हम लोग का संसाधन मतलब कि साधन हो गया। ठीक है, अगर कहीं अभी जाना है तो बाइक चाहिए, साइकिल चाहिए, फोर व्हीलर चाहिए, मतलब जैसा मतलब रास्ता हो उस तरीके से हम लोग काम करेंगे। तो वही बोला गया कि संसाधन निर्माण में, संसाधन को बनाने में, इसका निर्माण करने में क्या भूमिका है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर लिखना है, संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। मान के चलो कि आप लोग को पता चले कि हम लोग के क्षेत्र में बहुत बड़ा मतलब क्या नीचे कोयला का खदान है, तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले उसको बहुत सारा गड्ढा वगैरह खोदना पड़ेगा और वहाँ तक पहुँच करके फिर उसको वहाँ से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वही बोला गया कि संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। ठीक है, मतलब बहुत जरूरी है वो चीज़ का होना। जिस देश के पास क्या, जिस देश के पास तकनीकी ज्ञान जितना अधिक होता है वह देश उतना ही अच्छी तरीके से क्या करता है, संसाधन का उपयोग कर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, मतलब बनाता है। तो जिस देश के पास जितना भी मतलब तकनीकी ज्ञान ज़्यादा जितना अधिक होगा वह देश उतना ही अच्छे तरीके से संसाधन का उपयोग करेगा और अपनी अर्थव्यवस्था को मतलब अपनी जो दिनचर्या, अपनी जो स्थिति है उसको क्या करेगा, मजबूत करने का काम करेगा। कौन? तो जिसके पास ज़्यादा संसाधन व तकनीक होगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग यहाँ तक भी समझ गए होंगे। तो ये था आप लोग का 4 शॉर्ट क्वेश्चन इस जो बुक में आपका दिया गया है, ठीक है, पीछे साइड में, ठीक है, चैप्टर का अंत में। उसके बाद आप लोग का स्टार्ट हो जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन को भी बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। ठीक है, आप लोग को एकदम पूरा एकदम आसानी से एकदम सिंपल तरीके से क्या करना है, आपको जो है अपना 100% देना है, हम आपको पूरा तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लॉन्ग दिया गया है, संसाधन के विकास में, ठीक है, क्या लिखा है, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो सतत मतलब क्वेश्चन क्या है आप लोग का कि संसाधन के विकास में यानी संसाधन को और आगे बढ़ाने में सतत विकास मतलब लगातार विकास की अवधारणा का मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो आंसर लिखना है कि सतत विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत आने वाली पीढ़ी के हितों को बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया हो गया जिसमें क्या हो जाता है कि आने वाली पीढ़ी को, ठीक है, बिना नुकसान पहुंचाए। अब मान के चलो जैसे हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वाटर, ठीक है, मतलब कि पानी जो यूज़ करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके यहाँ बोरिंग है तो चला करके छोड़ दिया, पानी गिर रहा है, पानी बर्बाद हो रहा है। वो लोग बोलते हैं कि पानी तो धरती के नीचे बहुत है, पानी का लेयर दिन पर दिन नीचे जाते जा रहा है। कुछ लोग तो कहते हैं कि पृथ्वी पर तीन हिस्से पर पानी है, मतलब कि 71% जब पानी ही है तो पानी कम कैसे होता जा रहा है। पानी है, ठीक है, लेकिन सब पानी पीने के लायक तो नहीं है ना। अब कुछ पानी आपके घर में भी है, कुछ पानी तो नाला में भी है, तो नाला का पानी उठा के तो आप लोग नहीं पी लोगे। तो उसी हिसाब से कहा गया कि 71% जो जगह पर पानी है ना, तो वो पानी है लेकिन वो पानी पीने योग्य क्या है, नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ था। तो क्या हो गया कि सतत विकास क्या है कि एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत आने वाली पीढ़ी के हितों को बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना है। ठीक है, तो इसके बाद देखना है कि संसाधन मानव जीवन के आधार है, संसाधन है तो मानव का जीवन है, नहीं तो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, यह प्रकृति से मिला उपहार है, प्रकृति से मिला तरह से कह सकते हैं हम लोग के लिए गिफ्ट है। जैसे जल, पेड़ पौधे, मानव ने इसका अंधाधुंध दोहन किया है। तो मतलब जैसे ही देखते हैं पानी वगैरह का भी बहुत ज़्यादा उपयोग होता है जिसके कारण क्या होता है, पानी का लेयर दिन पर दिन नीचे जाते जा रहा है और पेड़ पौधे का भी अंधाधुंध, जैसे कि कुर्सी बनाना हो, पलंग बनाना हो, बहुत सारी चीज़ों का क्या है मतलब कि उसका पेड़ पौधे को काट करके उसका उपयोग किया जा रहा है, उसको बोलते हैं अंधाधुंध। का मतलब होता है कि जितना होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा दोहन किया जिसके कारण पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो गई। जिसके कारण क्या होता है, पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो गई है, मतलब प्रदूषण वगैरह। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर वर्तमान समाज मतलब कि वर्तमान समाज का विकास करना सतत विकास की अवधारणा है। मतलब पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए आने वाला जो हम लोग का जनरेशन है, मतलब जो हम लोग का पीढ़ी है, उसको ध्यान में रख करके जो है ना वर्तमान समाज का विकास करना, यही क्या है, सतत विकास की अवधारणा है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग का आ जाता है, स्वामित्व के आधार पर जो है ना संसाधन के विविध
स्वरूपों का वर्णन करें। तो अगर आप लोग जैसे बुक को उल्टा के पढ़िएगा तो आप लोग को उसमें अच्छी तरीके से मिलेगा कि मतलब उसका जो है ना क्या बोलता है कि जैसे कि संसाधन आप लोग पढ़ लिए तो उसमें आपका आगे आ जाता है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर अगर बात होगा तो वो हो जाएगा जैव हो जाए। उसके बाद आता है उपयोगिता के आधार पर, तो वो हो जाएगा उपयोगिता मतलब उपयोग करने के आधार पर, तो हो जाएगा नवीकरणीय। दूसरा होता है वो नवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर अगर बात किया जाएगा तो आपका हो जाता है चार, जिसमें व्यक्तिगत हो जाता है, सामुदायिक हो जाता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर बात किया जाए मतलब वन बाय वन करके जो हम लोग का क्वेश्चन है उसके ऊपर। ठीक है, ये तो आप लोग का बुक का जो हम लोग उसको करा रहे हैं। एक वीडियो और आएगा जिसमें से पूरा आप लोग का चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, पूरा बीच से जितना भी सब्जेक्टिव बनते हैं उसको, और लास्ट में जो आपका बुक का, उन सभी को मिला करके आप लोग को जो है ना अच्छी तरीके से फुल नोट्स दे दिया जाएगा। अगर जो भी स्टूडेंट इच्छुक हैं और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। ठीक है, और आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा ताकि जिस भी टाइम जो क्लास लाइव हो उसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाएगा, साथ में पीडीएफ भी आप लोग को इसी के माध्यम से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर पहला जो क्या लिखा गया कि स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब होता है रख रखाव। ठीक है, मतलब जैसे कि हम लोग का घर का जमीन है ना, वो मान के चलो हम लोग के दादा के नाम से है तो हम लोग के पापा के नाम से होता है, तो वो हो गया उसका स्वामित्व मतलब उसका मालिक। ठीक है, तो स्वामित्व के आधार पर जो है संसाधन चार प्रकार के होते हैं जिसका वर्णन निम्न प्रकार से मतलब नीचे दिया गया। ठीक है, तो पहला नंबर को ध्यान से देखिएगा क्या लिखा गया, व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन का मतलब हो गया कि पर्सनल किसी व्यक्ति का होना। ठीक है, तो लिखना है यहाँ पर कि वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है तथा जिसके लिए सरकार को लगान देना पड़ता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। अब आप लोग देखो व्यक्तिगत संसाधन हम क्या बताएं कि वैसा संसाधन जो किसी खास क्या बताएं आप लोग को जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है। मान के चलो जैसे आप है तो आपके अधिकार क्षेत्र में, मान के चलिए जैसे कि आपका आपके ही नाम से आपके घर में जमीन है तो वो आपके अधिकार क्षेत्र में हो गया, और उसके बदले में सरकार को हम लोग क्या करते हैं जमीन का रसीद कटाते हैं ना, तो वही हो गया सरकार को लगान देना। ठीक है, लगान का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, इसको कहते हैं टैक्स। क्या कहते हैं? टैक्स कहते हैं, और इसको कर के नाम से भी जाना जाता है। कर क्या नाम से? कर के नाम से भी जाना जाता है। तो वही लिखा है कि वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है तथा जिसके लिए सरकार को क्या देना पड़ता है लगान मतलब टैक्स देना पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे आपका हो जाता है भूखंड, मतलब भूखंड का मतलब कोई जमीन का टुकड़ा। उसके बाद और हो जाता है जैसे आप लोग का घर, मतलब घर का जमीन जो है उसके नाम से। उसके बाद बाग, मतलब जैसे कि बाग बगीचा हो गया, ये सब का क्या आता है सरकार को उसके चलते हम लोग को क्या करना पड़ता है उसके लिए लगान मतलब कि टैक्स देना होता है। ठीक है, ये था आपका पहला टाइप। तो ये हो गया किसी पर्सनल व्यक्ति का। एक तो हो जाएगा आप दस गिरदा टाइप का। ठीक है, मतलब जहाँ पर दस लोगों का हो, मतलब दस का मतलब होता है सभी लोगों का। तो लिखना है यहाँ पे कि दूसरा क्या है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक का मतलब होता है ग्रुप टाइप के लोगों के लिए। ठीक है, तो लिखना है कि वैसा संसाधन जो किसी खास समुदाय के अधिकार में होता है। यहाँ पे दो मतलब हो गया होता है। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे वैसा संसाधन जो किसी खास समुदाय के अधिकार में होता है तथा जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। तो मतलब वो क्या कि वैसा संसाधन जो किसी खास समुदाय, खास समुदाय का मतलब किसी पर्सनल जाति को एक तरह से कैसे इंडिकेट करता हो, उसके अधिकार क्षेत्र में होता हो और उसका उपयोग समूह के लिए मतलब समूह मतलब जितना भी लोग हो उसके लिए सब के लिए क्या रहेगा आसान रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं सामुदायिक संसाधन। अगर बात करें शमशान का तो शमशान जो होता है ना वो दरअसल मतलब हम लोग के जो इधर है उसी के आधार पर बता रहे हैं, हो सकता है आप लोग के लिए उधर कुछ और नाम से भी जानता हो। जैसे क्या होता है कि हिंदू समाज में जैसे कोई मतलब डेथ कर जाता है मतलब उसका मृत्यु हो जाता है तो उसको स्पेशल जैसे कि मान के चलो यहाँ पर घाट होता है ना, इस तरह से घाट है तो यहाँ पर जो सूखा वाला भाग रहता है ना इसी पर उसको क्या कर दिया जाता है उसको मतलब लकड़ी वगैरह रख करके उसको अच्छे तरीके से सजा करके उसके ऊपर में जो है ना सब को रख करके फिर उसके ऊपर से लकड़ी को रख दिया जाता है। उसके बाद उसका जो है ना दाह किया जाता है मतलब उसके शरीर में क्या कर दिया मतलब लकड़ी वगैरह में जो होता है ना इसमें आग लगाते हैं। आदमी जो मतलब उसके साथ में जाते हैं मतलब बड़े बेटे रहते हैं या फिर जो भी जिससे भी मतलब देना जरूरी हो। ठीक है, मतलब जैसे उसका बड़ा बेटा नहीं हो, दरअसल हमें धर्म के बारे में उतना जानकारी नहीं है जितना हम पता है हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ मतलब अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी पहले बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं मतलब उसका शरीर को दाह किया जाता है मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं अंतिम संस्कार। ठीक है, तो ये हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है वो हो गया शमशान का। ठीक है, उसके बाद है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान जैसे कि हम लोग जैसे बात किया ना अभी शमशान वो हिंदुओं के लिए हो जाता है और कब्रिस्तान जो होता है वो मुसलमानों के लिए हो जाता है। इसमें भी उसी तरीके से होता है जैसे ये आप लोग का जमीन है तो जमीन में ही क्या कर दिया जाता है जमीन में मतलब चरकुटा टाइप का घर बनाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है ना क्या कर दिया जाता है जो इंसान का जो शरीर होता है ना इसको इस तरह से जो है ना उसमें लेटा दिया जाता है। ठीक है, एक व्हाइट कलर का कपड़ा पहना करके। ठीक है,
उसके बाद इसमें बांस वगैरह कुछ इस तरीके से रखा जाता है, उसके बाद उसमें मिट्टी से क्या कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है, जिसमें इसको जो है कवर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमको वन बाय वन करके समझाने का उतना जरूरत वैसे है नहीं, क्योंकि बहुत ही सिंपल आप लोग से भी जानते होंगे। उसके बाद मंदिर है जहाँ की एक यह जो है ना हिंदुओं का पवित्र स्थल होता है, जहाँ की लोग पूजा वगैरह पूजा पाठ के लिए जाते हैं। ठीक है, मस्जिद मुसलमानों के लिए होता है, जहाँ पर कि सभी लोग क्या करते हैं नमाज अदा करने के लिए आते हैं। तालाब देख लो, जब भी जिसको प्यास वगैरह लगा है वो जाकर उसका उपयोग पानी वगैरह पी सकता है। तो इस टाइप का जो भी चीज़ है जो कि सबों के लिए सबके लिए एकदम एक तरह से कह सकते हैं धर्मशाला भी कह सकते हैं। ठीक है, धर्मशाला किसको बोला बोला जाता है, जहाँ पर सभी टाइप के लोग आकर के क्या करते हैं वहाँ पे बैठता हो बैठक होता हो उसको धर्मशाला कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया आप लोग का सामुदायिक संसाधन, उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद आता है राष्ट्रीय संसाधन, तो लिखना कि वैसा संसाधन जो कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत उपलब्ध हो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। राष्ट्र का मतलब होता है देश। ठीक है, देश का जा राष्ट्र का जा एक ही का हो जाता है। ठीक है, तो वैसा संसाधन जो कानूनी तौर पर क्या हो देश या राष्ट्र के अंतर्गत हो, मतलब देश या राष्ट्र की सीमा के अंदर में आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। मतलब देश में जितना भी संसाधन है वो एक तरह का क्या है राष्ट्रीय संसाधन है, क्योंकि वो देश की सीमा के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये वाला हो गया। तीसरा इसका पहला क्या पड़े कि व्यक्तिगत संसाधन जो किसी पर्सनल व्यक्ति का हो, उसके बाद पड़े सामुदायिक संसाधन जो कि ग्रुप टाइप के लोगों के लिए मतलब दस गिरदा टाइप का। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें राष्ट्रीय संसाधन जो कि क्या हो जाता है राष्ट्रीय संसाधन में, मतलब इसमें क्या होता है कि जो देश के या राष्ट्र के अंतर्गत में मतलब वो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उसके बाद लास्ट आ जाता है आप लोग का जो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है कि वैसा संसाधन जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। कहने का मतलब हो गया जैसे यहाँ पर एक देश है, इस टाइप का एक देश है, मतलब बहुत सारा देश रहता है और सबका मिला करके वैसा कुछ संसाधन होता है जो कि मतलब सभी लोगों के लिए जमा होता है। ठीक है, मतलब जिसको इसका जरूरत पड़ता है वो इसका उपयोग कर सकता है, फिर इसमें ला करके उस चीज़ को जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो संसाधन होता है ना उसको क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, और इसका नियंत्रण कौन करता है अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। तो इस टाइप का जो संसाधन होता है उसे क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला था हम लोग का यहाँ तक सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन आप लोग का था। सबसे पहली बात बता दें शॉर्ट क्वेश्चन की संख्या इस चैप्टर में आपको चार दिखाया गया है बुक के लास्ट में। ठीक है, उसमें से बहुत चीज़ आप लोग का इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तीसरा कब हुआ था, केटो सम्मेलन कब हुआ था, उसका ऑब्जेक्टिव है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब है। ठीक है, हम ये फिलहाल सिर्फ आपको बुक का कराए हैं जो कि कुछ लोग सर्च करते हैं नोट्स वगैरह बनाने के लिए, तो वो चीज़ के लिए था। ठीक है, तो ये था हम लोग का आज का कुछ छोटा सा वीडियो, जो उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर चाहते हैं इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए तो अपने दोस्तों में इसको एक बार शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर विजिटिंग, मतलब देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का तब प्यार और सपोर्ट के लिए। ऐसे ही वीडियो के लिए क्या कीजिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और चलिए मिलेंगे आप लोगों से बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड लव यू ऑल।